डांस शब्द जुबान पर आते ही मन में आता है खूबसूरत स्टेज, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता हुआ हॉल और रंग बिरंगे खूबसूरत कपड़े पहने हुए डांसर्स। कल्पनाओं से निकलकर यदि रियलिटी में किसी से डांस के बारे में पूछा जाए तो हमें ज़्यादातर सुनने को यही मिलता है कि खुशी के मारे नाचना या जश्न में नाचना। तो किसी का शौक होता है नाचना या किसी की आदत होती है नाचना। खैर, चाहे डांस किसी भी हालत में हो, वो मन के खुशी को जाहिर करता है। पर 16वीं शताब्दी में नाच मन की खुशी के लिए नहीं बल्कि मौत के लिए किया जाता था और इसे नाम दिया गया था डांसिंग प्लेग। डांसिंग प्लेग एक ऐसा डांस था जिसमें एक औरत ने स्टार्ट किया था और फिर इसमें लोग जुड़ते चले गए और मगन होकर नाचते हुए लोग तब तक खुद को नहीं रोक पाए जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। इसमें लोग डांस करने में इतना खो जाते थे कि मौत आने का आभास तक नहीं होता था। वैसे यह सब तो सुनने में आपको एक मजाक सा लगता होगा, पर यह एक सच्ची घटना है। गजब की बात तो यह है कि आज भी इसका रहस्य अनसुलझा हुआ है। इतिहास में इस घटना के शुरू होने और ख़त्म होने की कोई भी तारीख दर्ज नहीं है, फिर भी माना जाता है कि यह घटना सन 1518 में यूरोप के स्ट्रासबर्ग की यह घटना हुई थी। एक दिन स्ट्रासबर्ग में रहने वाली औरत अपने घर में नाचते हुए घर से बाहर आंगन में आ जाती है और नाचते नाचते वह इतना खो जाती है कि वह सड़कों पर आ जाती है। उसे देखकर लोग भीड़ जमा कर लेते हैं और कई लोग कहने लगते हैं कि शायद ये पागल हो गई है, तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि शायद इसको दौरा पड़ गया है, कुछ लोग इसे देखकर हंसने लगते हैं। हालांकि इन सब बातों की उस औरत को कोई भी खबर नहीं थी। उसके कदम रुकने को तैयार नहीं थे। वो नाचते हुए सड़क के किनारों को छू रही थी और लोग उसे देखकर डर से पीछे हो रहे थे। नाचते वक्त उसके चेहरे पर ना तो खुशी थी और ना ही गम था, बस वो बिना किसी भाव के नाचे जा रही थी। घंटों बीत गए पर उसका नाच बंद नहीं हुआ। लोग के आश्चर्य की सीमा तब पार हुई जब उसके आसपास के लोग भी नाचना शुरू कर दिए। फिर देखते ही देखते सड़क पर करीब 34 लोग नाचने लगे। इसमें से कोई रुकने को तैयार नहीं था। गजब की बात तो ये है कि इन लोगों को नाचने के लिए किसी भी तरह की संगीत की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी और ना ही एक जैसे ताल में नाच रहे थे। इनमें से कोई भी खुश नहीं दिख रहा था और ना ही इनके चेहरे पे कोई ऐसा भाव प्रतीत हो रहा था, बस वो नाचे जा रहे थे। सुबह से रात होने को आई पर नाचना बंद नहीं हुआ। इनमें से किसी ने भी ना तो पानी पिया और ना ही खाना खाया। लोग उन्हें रोकने के लिए काफ़ी कह रहे थे पर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई सुनने को तैयार नहीं था। दिन के बाद रात गुजर गई और फिर अगला दिन आ गया, फिर रात गुजरने लगी। तभी कुछ लोग थकान के कारण ज़मीन पर गिर जाते हैं। इनके साथियों ने तब भी रुकना जरूरी नहीं समझा। गिरते हुए लोगों ने हाँफते हुए अपना दम तोड़ दिया। ऐसे एक एक करके करीब 15 लोगों की मौत हो गई। फिर भी डांस नहीं रुका। तभी प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने नाच रोकने के लिए उस जगह पर आग लगवा दी। इसके बावजूद भी इन लोगों ने नाचना बंद नहीं किया और इन पे कोई भी असर नहीं हुआ। इसी बीच यूरोप के अन्य हिस्सों में ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी आने लगी। अधिकांश लोग इसे भूत प्रेत तंत्र विद्या से जोड़कर देखा तो कोई लोग इसे महामारी बताया। प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम रह गईं। लोग नाचते रहे और मरते रहे। कुछ लोगों की मौत तो थकान से हो गई और किसी को तो दौरा पड़ने लगा। प्रशासन की नज़र में यह एक तरह का प्लेग था जिसमें लगभग 400 लोगों की जान चली जाती है। इतिहासकारों ने इसे डांसिंग प्लेग का नाम दिया। अब तो कोई भी नहीं जानता आखिर डांसिंग प्लेग का रहस्य था क्या, कैसे शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके प्लीज़ इस रेड वाले बटन को दबा के हमें फॉलो कर लीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।